हज़रत सुफियान बिन उयैना रहिमहुल्लाहु ताला मशहूर ताबेई हैं और बड़े ताबेईन में से हैं, बड़े मुहद्दिसीन में से हैं। हज़रत सुफियान सौरी रहिमहुल्लाहु ताला और हज़रत सुफियान बिन उयैना बड़े मशहूर ताबेईन हैं, मुहद्दिसीन में से हैं। उनसे किसी ने सवाल किया कि क्या ये मिजाह जो है ये बुरी चीज़ है, गलत चीज़ है? तो उन्होंने जवाब में फरमाया, बल सुन्नत, नहीं गलत नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये तो ये मिजाह करना, महफिल में बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, अहबाब बैठे हैं, तो किसी बात पर किसी को कोई ऐसी बात करना जिससे हाजिरीन जो है वो हंस पड़ते हैं या खुशी महसूस करते हैं या तबी तौर पर उनके दिल जो है खुश हो जाता है, तो फरमाइए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हाँ, शर्त यह है कि वो अच्छी चीज़ हो, खैर की चीज़ हो, उसमें ईज़ा और तकलीफ़ ना हो किसी के लिए। और इसकी तारीफ़ भी शरा मिरकात में यही की गई है, इम्बिसात माल गैर, के गैर के साथ हंसी मिजाह करना, गैर के साथ खुशतबी करना, मिन गैर ईज़ा, बग़ैर उसको तकलीफ़ पहुँचाए। और ये तकलीफ़ का पहुँचाना भी मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ होता है। आप अपने वालिद के साथ बसा औक़ात मिजाह कर लेते हैं तो उसमें तकलीफ़ का मेयार और है, भाई के साथ मिजाह करेंगे उसमें तकलीफ़ का मेयार और है, आम दोस्त के साथ मिजाह करेंगे तकलीफ़ का मेयार और होगा, और लंगोटिया यार हो तो उसके साथ मिजाह करेंगे तकलीफ़ का मेयार और होगा। कि हर एक की बर्दाश्त और हद मुख्तलिफ होती है। एक लंगोटिया यार है, बचपन का दोस्त है, तो उसके साथ अगर उसको आप काट भी लेंगे या किसी छड़ी से मार भी देंगे तो वो उसको बर्दाश्त कर जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक हद ज़्यादा है। और अगर भाई है या रिश्तेदार है या कोई बड़ा है उम्र में, उससे मिजाह कर रहे हैं, तो उसमें आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसको वो बेअदबी शुमार करता हो या वो जिसको तकलीफ़ महसूस करता हो। तो ये ईज़ा की मुख्तलिफ सूरतें हैं। हर एक के साथ जब मिजाह कर रहा हो आदमी, तो ईज़ा किसको पहुँचेगी किसको नहीं पहुँचेगी, ये अगले सामने वाले के हालात को देख कर कहा जाएगा कि तकलीफ़ है या नहीं। और जिस मिजाह में सामने वाला तकलीफ़ महसूस करे वो जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। और ये शरीयत की बातें हैं, ये रसूलुल्लाह के दीन की बातें हैं। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अगर मिजाह के बारे में रसूलुल्लाह की तालीमात ना होती तो ये कहा जाता कि इस्लाम नामुकम्मल दीन है। इस्लाम दीन मुकम्मल नहीं है। दीन कहते हैं सारी ज़िंदगी का इहाता करने वाला, और मज़हब कहते हैं जो चंद एक रसूम और रवाज होते हैं, इबादत होती हैं, जो उनका इहाता करे वो मज़हब कहलाता है, और जो ज़िंदगी के हर शोबे का इहाता करे उसे दीन कहते हैं। अल्लाह फरमाने, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, इसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, मआशरत, मईशरत, ताल्लुकात सारी चीज़ें हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाह फरमाते भी थे, हज़रात सहाबा भी मजाक फरमाते थे आपस में एक दूसरे से, और रसूलुल्लाह की मौजूदगी में भी मजाक फरमाते थे। हत्ता कि ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मजाक फरमाया लेकिन सहाबा मिजाह रसूलुल्लाह से नहीं फरमाते थे, सहाबा खुद रसूलुल्लाह से भी मजाक फरमाया करते थे। सहाबा के वाक़यात भी हैं कि जनाब रसूलुल्लाह से मजाक फरमाया। इसी से ये बात भी मालूम होती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अपने बराबर के आदमी के साथ ही मजाक किया जाए, अपने से बड़े के साथ भी एक हद के साथ, एतदाल के साथ मजाक किया जा सकता है, बशर्ते कि बेअदबी ना हो उसमें, बुरी बात ना हो, झूठ ना हो उसमें। हज़रत सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह, आप हमारे साथ मजाक करते हैं, आप भी मजाक करते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला अकूलु इल्ला हक्कन, मैं तो वही बात करता हूँ जो सच्ची होती है, झूठ तो नहीं बोलता मैं। तो ऐसा मिजाह करना चाहिए जिसमें झूठ ना हो। तो इससे ये भी मालूम हो गया कि हम जो महफल लगा के बैठते हैं और झूठे किस्से कहानियाँ बना के सुनाते हैं वो जायज़ नहीं है। झूठे किस्से कहानियाँ, झूठी बातें एक दूसरे की तरफ मनसूब करना ये गुनाह है, ये मिजाह नहीं है, ये मिजाह नहीं है। मिजाह वो है जो बात सच्ची हो लेकिन उसमें कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार कर लिया जाए जो दूसरों के लिए खुशतबी का बायस हो, या दोस्त हैं, अहबाब हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले हैं, लंगोटियाँ हैं, बचपन के ताल्लुकात हैं,
तो उस सूरत के अंदर अगर दूसरे को बज़ाहिर जो मेरे देखने में तकलीफ़ लग रही हो कि यार तूने उसको ईज़ा पहुँचाई है, लेकिन वो उसको बर्दाश्त कर रहा होता है कि नहीं ये तो मेरा दोस्त है, वो कर सकता है मेरे साथ, तो फिर वो भी जायज़ है। आगे सहाबा के वाक़यात आएंगे, फिर आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे कि ये तो नाजायज़ और हराम अमल हो गया। नहीं, वो अपने ऐसे दोस्त के साथ या एतबार और एतमाद पर करते थे कि ये दोस्त महसूस नहीं करेगा, ये इसको तकलीफ़ के ज़ुमरे में नहीं लेगा, बल्कि मेरे मिजाह को मिजाह समझेगा। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक फरमाया। हाँ, वो जो रिवायात आती हैं जिनमें मिश्कात शरीफ की एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुमारी अखाका वला तुमाज़िहु वला तअइदहु मौइदन फतुखलिफहु, कि अपने भाई के साथ मजाक ना कर। ला तुमारी अखाका, अपने मुसलमान भाई से झगड़ा ना कर, लड़ाई ना कर। वला तुमाज़िहु, और उससे मजाक भी ना कर। वला तअइदहु मौइदन फतुखलिफहु, और ऐसा वादा भी ना कर जिसे तू पूरा नहीं कर सकता। तो इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि मजाक नहीं करना चाहिए, मिजा और हंसी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हजरत ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने इसकी शरह करते हुए, कि इससे मुराद ऐसा मिजा है जो हद से गुजरा हुआ हो, या जिसमें झूठ हो, या जिसमें दूसरे की तकलीफ़ हो, या दूसरे का मजाक उड़ाया जा रहा हो। मजाक करना और है और मजाक उड़ाना और है, इसको सुखरिया कहते हैं अरबी में, इसको मिजाह नहीं, इसको सुखरिया कहते हैं, कि दूसरे का मजाक उड़ाया जाए, उसके ऐब को उछाला जाए, वो नाजायज़ है। उसमें दूसरा तकलीफ महसूस करता है कि यार मेरे बारे में ये बात इसको मालूम भी थी तो ना करता मजलिस में दोस्तों के सामने, अगरचे वो हंस भी रहा हो, लेकिन जिसमें दूसरे की तकलीफ हो ये सुखरिया है, मजाक नहीं। उसैद बिन हुदैर, जब रसूल ने एक छड़ी चबो दी थोड़ी सी, हमें यार रसूल बदला दो मुझे अभी के अभी, बदला दो मुझे अभी, बदला दो, तो ये मतलब नहीं है कि उस्ताद तालब इलम पर इतना हावी हो कि तालब इलम का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो, या वालिद अपनी औलाद पर इतना हावी हो, या शोहर अपनी बीवी पर इतना हावी हो कि वो बेचारी पूछे कि मैं बात कर लूँ या ना करूँ, मैं ये सवाल कर लूँ या ना करूँ, ये कर लूँ या ना करूँ। नहीं, उसे आज़ाद रहने दीजिए। खुशतबा और मिजाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुफियान बिन उयैना का मैंने कौल शुरू में क्या नकल किया, जब लोगों ने कहा यह बुरी बात है, बदतहजीबी है, फरमाया नहीं बदतहजीबी नहीं, ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, इस पर सवाब मिलता है।